आज मैं आपके साथ में एक बहुत पुराना व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जब कोरोना वायरस आया ही आया था और स्टार्टिंग के डेज चल रहे थे, उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, जो कि मेरे ससुराल का व्लॉग है। और वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पाई थी मैं। वो क्लिप्स पड़ी रह गई थी और मैं शायद भूल गई थी। और चलो मैं आपके साथ में अभी शेयर करती हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी बहाने आपको मेरे ससुराल ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और देखो आज मैंने ये वाली कुर्ती डाली हुई है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए मैंने इसको पहना हुआ है। कैसे हो आप सब लोग? और अभी मॉर्निंग का 10 या 11 o'clock हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरी तबियत सही नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि मुझे कोल्ड हो गया है, सो बस मैं वही दिखाने की जा रही हूँ। और जो मेरे देवर है उसको भी कोल्ड हो गया है, मतलब उसको फीवर आ रहा है। तो एक्चुअली में क्या है ना कि जो सीजन है ना यही चल रहा है, सब लोग बीमार होते जा रहे हैं, जाती सर्दी जा रही है ना, इसलिए मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मेंशन। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा, कोई जल्दी जा रहा, तो मैंने ना अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया, तो मैं रास्ते में उसको खा लूंगी। उसके बाद में ये जा रहे हैं इंडस्ट्री, तो ये पहले हम लोग को दिखा देंगे, उसके बाद में ये निकलेंगे वहां पर, तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। फिर देखो एक बार जाओ ना आप इंडस्ट्री, फिर उसके बाद में आप अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, आप अपनी मर्जी से आओगे, आप उनकी मर्जी से जब वो उनको टाइम मिलेगा या फिर जब वो फ्री होंगे। तो मदर लॉ भी साथ में जा रही है, तो चलिए सो चलते हैं। और मैं सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोग साथ में शेयर कर देती हूँ। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। रखा है, गंदा लग रहा है यार। आगे कर दिया है इसको। आगे कर दिया है। 30 सेकंड हटा दो इसको। ये देखिए ये क्या है, ये शू लेस है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन कलर के एक्चुअल में लगता है, शूज वगैरह में डलते होंगे ना, कलरफुल। ये ब्लैक वाला ये हम लोग के इसके हैं, मशीन के, रिसेंटली जो मशीन आई हुई थी ना कुछ टाइम पहले, उसी के हैं। अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में और माता इन लोग मंदिर के दर्शन करने के, मैं दर्शन करके आ गई हूँ, तो इनको भी यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर मैं, देव और माँ, हम सब लोग जाएंगे डॉक्टर दिखाने के लिए। और ये भी आ गए, ये देखो इन्होंने ये पहन लिया है क्योंकि तो इन्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए है ना, भूतना दर्शन लग रहा है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास में और इनको हम लोग छोड़ाया वहीं पे। ये देखिए गाइस, ये सामने से दिख रहा है ग्वालियर का फोर्ट, जो कि हर एक कोने हर एक गली से दिखता है आपको ग्वालियर के। और इस टाइम हम लोग कहाँ पे हैं? हजीरा। हाँ। हजीरा में हैं। जो भी ग्वालियर वाले वो तो समझ गए होंगे। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है, इजिली वेट लॉस करना है, तो आइए आज मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करती हूँ जो कि है एक ड्रिंक। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ये ओजीवा का प्रोटीन शेक, ठीक है ना। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से, मैं क्या बोलूँ, इसको मेरा 1 month यूज करते हुए हो गया है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करा था और सीरियसली गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा हमारे पास में ओजीवा का सुपर फूड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है कि दिन भर में हमें एक ऐसा ड्रिंक चाहिए होता है जिसमें प्रोटीन हो, मल्टीविटामिन्स हो, तो साथ ही साथ इसमें गाइस आपको 15 तरह के मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरतमंद होते हैं। हाँ, ये आपके स्किन और हेयर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें है बायोटिन, जो कि आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये एक आयुर्वेदिक हब से बना हुआ प्रोटीन है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइस, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इसमें कोई भी शुगर नहीं है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, ये 100% नेचुरल है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस वजह से आपको अगर ड्रिंक लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप इसमें वेट लॉस करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, साथ ही साथ
ज्यादा आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो भी आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। और जैसे कि इसमें मेंशन करके रखा हुआ है कि फॉर बेटर एनर्जी, एनर्जी आपकी स्ट्रांग करता है, एनर्जी बढ़ाता है, साथ ही साथ अगर आप ऐसी कोई ड्रिंक लेते तो ऑब्वियसली, और साथ ही साथ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है तो आप भी अच्छे बने रहते हो, डाइजेशन प्रॉब्लम को भी सही रखता है। हाँ, प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक करना बिल्कुल मत भूले। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस ड्रिंक को। मैं आपको क्लीन प्रोटीन ब्लेंड, पिया प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन, साथ ही साथ मूंग बीन्स प्रोटीन एसिलेट, इम्यूनिटी ब्लेंड, मार्गरीना, आमला, तुलसी, ऐसी सारी चीजें हैं गाइस। इसमें एनर्जी को बूस्ट करता है ये, इसमें अश्वगंधा है, मैका रूट है, सिनेमोन है, स्किन और हेयर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो इसमें आयरन है, विटामिन सी है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे आपको मल्टी विटामिन मिल जाते हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं जिससे कि आपकी स्किन, आपकी हेयर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहती है। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स में आपको मिल जाता है तुलसी, आंवला, ग्रोची, ऐसे ये सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोकॉस फ्री है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है इसमें। जिशन ब्लेंड, गुलोची, त्रिपला, पपाइन, प्रोमिलेन एंड इजी टू डाइजेस्ट है गाइस ये। यहाँ पर आपको ये स्टेप्स दिए जाते हैं कुछ, इनको आपको फॉलो करना है और आपका जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको ड्रिंक रेडी करने का तरीका बताती हूँ अभी, तो चलिए अब हम अपना शेक रेडी करते हैं। और साथ ही साथ मुझे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ओजीवा का मेरे पास में शेकर है जिससे मैं शेक करूँगी, और इस प्रोटीन को, और ये हमारा प्रोटीन पाउडर जिसमें मैंने थोड़ा सा इसको यूज़ भी कर लिया है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है काफ़ी दिनों से क्योंकि मैं इसको पी रही हूँ। इसमें साथ ही साथ आपको एक स्कूप भी मिलता है जो कि आपको दिख रहा है, मैं इसमें 1 स्कूप लूँगी जस्ट बिकॉज मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ डेली बेस पर इसलिए, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप इसमें 2 स्कूप ले सकते हो 200 ml में पानी में। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, पर हालांकि इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे नहीं तो ये फैल जाएगा, और पहली बार मुझसे गलती यही हो गई थी। तो चलिए शेक कर लेते हैं, हम इसको पीते हैं, और इसको पीने के बाद में जो टेस्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर लगा, मुझे हद से ज़्यादा ये पसंद आया है। मेनली वर्क करता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, डाइजेशन को भी सही रखने के लिए, साथ ही साथ आपकी एनर्जी के लिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए, अगर आप वर्किंग वुमन हो या आप अपनी हाउस वाइफ हो तो भी आप इस प्रोटीन को ले सकते हैं, जस्ट आपको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है ग्लास में या शेकर में, देन आप इसको पी सकते हैं। तो डेली में मैं इसको प्रोटीन को लेती हूँ रोजाना, क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत होती है एक अच्छे प्रोटीन की जो कि आपको इसमें मिल जाता है। या आप डाइट फॉलो कर रहे हो कोई अच्छी सी तो भी आप इस प्रोटीन को ले सकते हो, साथ ही साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या फिर आप वेट लॉस कर रहे हो या हल्का फुल्का वेट गेन भी करना चाहते हो तो भी गाइस आप इसको ले सकते हो। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन करके रखा हुआ है गाइस, और ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है फॉर इम्प्रूव प्रोटीन इंटैक एनर्जी। और गाइस जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो तो भी आप इस ड्रिंक को ले सकते हो। चलिए इसी के साथ साथ इस रिव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि प्लीज आप हमें अच्छा सा कोई प्रोटीन बताइए, तो हमने आज आपको बता दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अभी जस्ट हम लोग घर पे आए हुए हैं, बाहर ना कोरोना वायरस मतलब फैला हुआ है हर जगह, आगरा तक आ गया है, दिल्ली तक आ गया है, बहुत सारे लोग मतलब बीमार हैं बहुत ज्यादा, और बाहर सब चीज चल रही है, तो आप लोग भी बहुत ज्यादा अवॉइड करिए बाहर का खाना, सारी चीजें। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ करने की, अभी मैं भी कुछ दिन के लिए सोच रही हूँ कि सब चीजें बाहर का कुछ भी नहीं खाऊं। उसके बाद में अभी मैं डॉक्टर दिखा के लाई हूँ, देखो मेरे को इतनी सारी मेडिसिन दी हुई हैं उन्होंने, सो एक्चुअली में कुछ है नहीं, सिर्फ कोल्ड हो गया है, तो उसकी वजह से गला खराब है, खांसी जुकाम वगैरह है। अभी मैं ले लेती हूँ टैबलेट्स, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर तुरंत आपके सारी टैबलेट देता है खाने के लिए, तो क्यों खाना यार। मैं तो वैसे भी मेडिसिन वगैरह से ना काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हूँ, क्योंकि तो पता है मेडिसिन खाने से अच्छा है ना आप अच्छा खाना पीना खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितनी सारी भी खानी है, एक सेकेंड, ये देखो ये मुझे ये टैबलेट्स लेनी है, ये उन्होंने बना के दी एक्चुअली, ये उसकी है, और ये मेरे को मुंह पे रखनी है पानी के साथ में इसको वैसे नॉर्मल। तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ जल्दी से,
तो ये सही होना है, डर नहीं लग रहा यार। बाहर हर जगह देखो जहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है ये प्राणों देखो। और हाँ, ये जो एनिमल्स वगैरह है ना, ये पेट्स वगैरह हम लोग घर पे ले आते हैं, मतलब पाल के रखते हैं, उनको उनसे भी दूर रहना। प्राडो एक्चुअली अभी ना उसको बांध दिया है, इधर से उधर घूम रहा था, बाहर चला था, नीचे चला जा रहा था। अभी ये भी खानी है, चलो मैं खाती हूँ, उसके बाद में थोड़ी रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या करती हूँ, पहले देखते हैं कुछ कुक करते हैं, क्योंकि फादर इन लॉ वगैरह भी आ गए हैं। वैसे तो हम लोग बना के रख के गए थे, बट अभी उनको खाना वगैरह देना है, सो उनको लंच कराते हैं। ये आए नहीं थे, ये वहीं पर रुक गए हैं, मैं आ गई थी। देखो इतनी सारी टमाटर पे थानोश क्या कर रहे हो? अरे अरे, ये देखो क्या हो गया थानोश को, चूहा बन के बैठ गए। तो ये क्या कर रहे हो? तो अभी हो गया लंच टाइम, तो मैं करूंगी लंच और आपसे मिलती हूँ नाइट के टाइम में। बाय बाय गाइस। ये देखिए हमारी गाड़ी में भी क्या है, इतने सारे पत्ते पड़े हुए हैं क्योंकि ऊपर पेड़ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमी घूमी करने के लिए, आज बारिश हो गई है। बाहर रोड लाइट चल नहीं रही, एक्चुअली लाइट चली गई है, दैट्स व्हाई। सो ये देखो, ये इन्होंने आज न्यू मैट डलवाई है अपनी गाड़ी को, टाइम तो हुआ नहीं है, 1 ईयर ही अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो वो पापा लेके आ गए थे ना, पर अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बट इसको मेंटेन करके रखने का पापा को शौक है। तभी लेके आवाओ मैं सोची नहीं। ये देखो भाई क्या टाइम हो रहा है, 9:36 हो रहा है, और चलो चलते हैं। लाइट सब जगह गई हुई है आज, एक्चुअली ये है ना कि बारिश हो गई है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर ना हम आ गए हैं मास्क लेने के लिए, तब कोरोना स्टार्टिंग का टाइम का था, तो हम फर्स्ट टाइम मास्क ले रहे थे। और ये जो वीडियो है मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट क्लिप्स मेरे पास में रखी गई थी, तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि अब कितने मंथ्स हो गए हैं कोरोना वायरस को ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये डेटॉल की बॉटल ली हुई थी, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं है। और इसी के साथ अब मैं घर पहुँच गई हूँ, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय बाय।